हाय, आज हम बनाएंगे भिंडी का भरवा सब्जी। जो मैं इतना आधा केजी भिंडी ली हूँ मीडियम साइज में, हार्ड भिंडी नहीं लेना है। इसको हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर ली हूँ, छान कर रख ली हूँ। अब इसको हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से काट लेंगे और बीच से फाड़ लेंगे इस तरह से। सारी भिंडी को हम इसी तरह से काट कर और बीच से फाड़ लेंगे। कि हम सारी भिंडी को इस तरह से बीच से फाड़ ली हूँ, सारी भिंडी को मैं फाड़ ली हूँ। अब मसाला बनाएंगे। इसमें 2-3 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। मेरा चम्मच छोटा है इसलिए 3-4 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच लाल तीखी मिर्च पाउडर, पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, हल्दी स्वाद के अनुसार, नमक, जीरा गोलकी पाउडर और 1 चम्मच किचन मसाला और थोड़ा सा टमाटर और 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम एक एक करके भर लेंगे। इस तरह से एक एक करके हमको सारे भिंडी को भर लेंगे। हम सारे भिंडी को भर ली हूँ इस तरह से। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। चारों तरफ तेल लगा लेंगे, मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें डालेंगे भरा हुआ भिंडी, हल्के हल्के हाथों से इसे पलटना है। अब इसको हम झाँक देंगे। अब 2 मिनट हो गया है। अब इसको हम देख लो, हल्के हल्के हाथों से इसे घाट लेंगे। अब फिर से इसको हम झाँक देंगे। इसको झाँक झाँक कर मीडियम आंच में सिझा लेंगे। बीच बीच में घाट देंगे। देखिए बीच में हम इसे एक बार चला ली थी, पलट ली थी। इसमें थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़क देंगे, ज़्यादा नहीं छिड़केंगे। इसमें नमक डेल था पहले से मसाला में, बस थोड़ा सा ऊपर से ही छिड़क देना है। इसे अच्छी तरह से पलट पलट कर पका लेंगे।
इसको फिर से एक मिनट के लिए झांक देंगे ताकि अच्छा से मेरा भिंडी पक जाए। अब एक मिनट हो गया है, अब इसको देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से पक गया है। ये मसाला इसमें जो तेल निकलना इससे शुरू हो गया। अब इसको पलट लेंगे। वे भिंडी अच्छा से पक गया है, लाल भी हो गया है, देखिए अब अच्छा से पक भी गया है। देखिए कितना अच्छा लाल भी हो गया और पक भी गया है, खाने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से लाल कर कर भूंज लेना है। अब ये तैयार हो गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे।